इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन टाइम डेटा लिमिट सेटिंग्स के बारे में। ये क्या होती हैं और हमें क्यों दी गई होती हैं, इसको हम ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और ये मिलती कहाँ है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको ऑन करना होता है, तो ऑन कर देते हैं और यहाँ पर आपको दिक्कत आता है सबसे पहले साइज। साइज में आप इसको 100 MB, 150 MB, 200 MB और कस्टम पर कर सकते हैं, यानी कि अंत तक। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आता है व्हेन एक्सटेंड। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, टर्न ऑफ एंड नोटिफाई, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है नोटिफाई। ये होता है कि हमारा हॉटस्पॉट का ऑप्शन, जैसे कि हम किसी को हॉटस्पॉट पकड़ाते हैं, उसको चलाने के लिए देते हैं, तो हम उस पर साइज उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वो साइज ख़त्म होने के बाद, वो जितने डेटा यूज़ करने के बाद, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा या फिर नोटिफाई कर देगा। तो ये जो है आप पर डिपेंड करता है कि नोटिफाई करें या फिर ओनली बंद कर दें, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप बंद करना चाहते हैं या ओनली नोटिफाई। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ये आपको मिलती कहाँ है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होता है, तो सेटिंग्स में हम चलते हैं। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होता है, नीचे यहाँ पर मिलता है आपको हॉटस्पॉट, प्रोटेबल हॉटस्पॉट, इसको खोल लेना है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वन टाइम डेटा लिमिट, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, क्या क्या वर्क करता है। बाकी ये जो जितना भी प्रोसेस है वो रेडमी के नोट 5 प्रो में हुआ है, और बाकी आप इसको खुद मैनेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।